शर्म नहीं क्या बता? ये तरह के बात करत के एक औरत होके दूसर औरत के जलील करत अरे अरे तू सोच भी कैसे ले लू कि पूजा हमरा बारे में ऐसा सोच सकेली। खबरदार खबरदार जब पूजा के बारे में दोबारा ऐसा कुछ सोच लू तो दामाद जी पति के हक जतावे से पहले पति के जिम्मेदारी तो निभाई। पहले जाकर अपन भाई से अपन जायदाद हासिल करी, अपन घर हासिल करी, ओकरे बाद हमार बेटी पर हुकुम चलाई। और अगर ये सब नहीं हो सकत ना तो इस घर में एक सम्मान के तरफ पड़ा रहे। अगली बार अगर हम आपके अपन बेटी से ऊंचा आवाज में बात कर देखनी आपके सेहत के लिए ठीक ना हुई। हमरे साथ कहा हो रहा बा कि हमरा के बदनाम करल चाहता। पहले हमरे बिस्तर में रुपया छिपा दल प्रॉपर्टी के कागजात हमरे अलमारी में रख दहलस। के कर सके लाई सब माजी चैताली नहीं नहीं वो लोग ऐसा काहे करियन पर जीजा जी तो उन लोग पर ही सकरत रहलन। चैताली के तोहरा पर इल्जाम लगावल फिर माजी के तोहार पक्ष लिहल ई सब हमरा के एक षड्यंत्र लग रहल बा जेकर जेकर उद्देश्य सिर्फ तोहरा के सतावल बा। हमरा तो इस सब के पीछे माजी के ही हाथ लगा था। ये सब तोहरा संगे हुई यही बात के अंदेशा हमरा बहुत पहले ही हो गए रहे। चीचा जी ये कहे कातरा लग कि हमरा के सतावल जाए एक अंदेशा उनके पहले से रहा हमरा तक कुछ समझ में नहीं किया। इतना नीक पति ना बढ़िया घर परिवार पाके हम तो अपना के बहुत खुश नसीब समझत रहे पर अब लागत था कि हम बहुत बदनसीब है। पति के ना तो अपन प्यार दे पावत थे और ना ये घर वालन के नजर में खुद के बेगुनाह साबित कर पावत थे कि तरह से पार्टी अपन दिल की तरह दिया मिलकर फूल लगा लगा के तो कहीं भी
फ्रेंड का फोन भी नहीं लगा था। हे भोले बाबा, हमरा के जंजाल से निकाल। हेलो। अरे पूजा बिटिया। बाबूजी प्रणाम। खुश रहा बिटिया, तुहार बहुत याद आवत रहे। अब ही थोड़ा देर पहले ही तुहार माई तोरे बारे में बात करत रहे। अब देखा तुहार फोन आ गए, बहुत लंबा उम्र बा तुहार। आपकी तबीयत अब कैसन बा? एकदम ठीक बा। अब हम रिटायरमेंट लेके घर पे ही आराम करत हैं। तू सुनावा, तू कैसा हो? समधन दामाद जी सब केहू तुहार ख्याल रखेला ना? हाँ बाबूजी, सब केहू हमार बहुते ख्याल रखेला। तू ठीक तो हो ना? तुहार आवाज भारी भारी काहे लागत है? जुकाम हो गल रहा बाबूजी, माई से बात करा दी। बेटा तुहार माई रसोई घर में खाना बनावत बिया, बाद में बात करा दे। ठीक बा। बिटिया कौनो बात होके ते बता दे, आपन बाबूजी से मत छुपावा। बतावा का बात है? कुछ ना बाबूजी, हम बादी में फोन करो। अब कुछ हाथ पैर हिलाए कि खटिया तोड़त रहा। वो दिन तो बड़ा शान से कहत रहली, नीलू के ब्याह के दहेज के इंतजाम हम करब। ऐसा हो इंतजाम सुतले सुतले। एक तरफ आपके उस समधी मास्टर जी हवन जौन अपन बेटी खाते बिना दान दहेज वाला कमाऊ बढ़िया लड़का ढूंढ लेलन, और एक आप है जो बेटी जवान हो गई लेकिन चेहरा पर शिकन तक नहीं। दिन भर ई खटिया तू लेवली और सांझी के दारू के अड्डा पर पहुंच जाली। अरे कहां पहुंच जाली, दो दिन से सुंगली तक नहीं है। और तू बाड़ू की चुप करी, आपसे तो कुछ होखी ना। और दीपक भी पता ना कब ले इंतजाम करी, और पता ना इंतजाम कर पाए कि ना। इतना बढ़िया रिश्ता हाथ में आइल बा, हाथ से निकल गई तो ना जाने फिर अच्छा रिश्ता कब मिले। अरे तू प्रणाम करा, ये अपन समधी मास्टर जी के समधन है। अरे सम्राट की माई आई, अंदर चली।
जी धन्य भाग हमनी के जा पे जाएली। अरे तू जा खड़ा खड़ा मुका दिखत बड़ू, जा चाय नाश्ता के इंतजाम कर। अरे जाना। अरे नहीं नहीं वो सब रहे दी। अरे रहे कैसे दी, बहू 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 नीलू संगे बाजार गई बिया सब्जी लावे खातिर। आपके बहू आरती मास्टर जी के बेटी बाड़ी ना, जेकरा मिर्गी के बीमारी बा। हाँ हाँ हम वही के इलाज चैरिटी से करावे खातिर आपके यहाँ गैल रहली। हमरा खुशी होइत कि हम उनकर इलाज करा पैती। दरअसल मिर्गी के बीमारी के कोनो इलाजे नहीं थे। हम बंगलोर के बड़ा डॉक्टर से पता करौले रहनी है, वहाँ लोग साफ कह दिहल कि ये बीमारी इंसान के मरला के बादे ओकर पीछा छोड़ेला। अब इतना दूर सिर्फ इहे बताए आई रही? दरअसल हम गाजीपुर शहर में अपन अचार के व्यापार के सिलसिला में आई रहनी है। आप लोग के गांव बगल में रहल, सोचनी की बतौले चली। आप भी अचार बना कर बेचेली? आप भी मतलब? मतलब हमहूँ पिछले 10 साल से अचार बना के बेचे का व्यापार करत है। कहाँ बेची ले आप अपन अचार? इहे गांव में बेचब और कहाँ, पर बहुत दिक्कत बा। ना ही पहले जैसा मुनाफा रह गई और ना ही केहू समय पर पैसा देवेला। अगर आप बढ़िया अचार बनावे ली तो आपके बनाओ सब अचार हम खरीदे। चौकी मर्द हमार अचार के एक्सपोर्ट के बिजनेस बा। हम भारत में बनल अचार विदेश में भेजी ले और हम अचार खुद ना बनावे ले बल्कि ऑर्डर दे के दूसर लोग से बनवा मिले। अब आपका ऐसे ही खड़ा रहब? अरे जाए ना, जाके बाजार से मीठा ले आई और नीलू और बहू के भी देख ले जाए। बहन जी हम आपके नाम जान सके ली? हाँ रूपा। रूपा बहन जी हम जितना अचार बनाए आप सब खरीद ले। हाँ और कच्चा माल खरीदे खाती पैसों दे। घर में कोनो छोट बच्चा नहीं के दिखाई दे, मतलब आपके पोता पोती? अरे हमार ऐसन भाग कहाँ, ये मिर्गिया बहू जो पल्ले पड़ गई बा। सोच ले रहली एकर इलाज के बाद हो सकेला कि पोता पोती के मुंह देखब, लेकिन आप तो कहत हैं कि ये बीमारी के कोनो इलाज ही नहीं खे। हमार तो भाग ही फूटल बा। एक बात आपके बहू के ये बीमारी तो बचपन से होगी, फिर अपन बेटा के आखिर ओकरा संगे धोखा धोखा खा गई ली हम। आप पूरा मत माना, मास्टर जी आपके भी समझी हमन, पर वो हमने के साथ छल कैलन। अपन बेटी की बीमारी के बारे में हमसे सब कुछ छुपा लेना। ये तो वो लोग ठीक ना ही कैलन, आखिर धोखा तो धोखा ही होखेला। वो चाहे आपन लोग दे या पराया, आपके महानता बा कि आप ये सब सहता नहीं। हम रहती ना तो अपन बेटा के दूसर जगह ब्याह कर देती। चाहत तो हमू ये हई, पर बेटी के ब्याह करे के बाद समाज में बात उठी यही से चुप है। बेटी के बिया काहे नहीं कि जल्दी कह दे? दहेज जहाँ से भी रिश्ता आवेलन लंबा चौड़ा दहेज का मांग सामने रखते वेलन। अब कहाँ से लाई इतना पैसा? दीपक रेलवे में नौकरी करेला, ओकर कमाई भी इतना नहीं खे। अब देखी ना एगो इतना बढ़िया रिश्ता आयल बा, पर उनकर मांग भी बहुत ही ज्यादा बा। अब समझ में नहीं आवता इतना पैसा का जुगाड़ कहाँ से करी? एक उपाय बा, पर शायद आपके अच्छा ना लगे। आप दीपक के दूसर ब्याह ऐसा जगह तय करी जहाँ आपके अच्छा दहेज मिल जाए, और फिर उहे दहेज दे के अपनी बेटी के ब्याह कर दी। सलाह तो आप नीक दे रहे हैं, पर ई उम्र में
हमार बेटा खातिर ऐसा दहेज वाला रिश्ता कहाँ से मिले, जबकि ये ओकर दूसरा बिया बा। देखिए अब हम आपके रिश्तेदार बन गए, अब एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के काम ना आए तो ये अच्छा ना लगे ना। अब आप दीपक की जिम्मेदारी एकदम छोड़ दी, हम उनकर शादी ऐसा जगह कराई जहाँ आपके खूब दहेज मिले और फिर आपकी समस्या भी दूर हो जाए। हम आज सांझी के ही अपन बेटा से बात करें। हाँ बात करके बता दे, अब हम चला तली। अरे ऐसे कैसे, मुँह तो मीठा करके जाए। अब हम मुँह तो एक साथे मीठा करब। और हाँ आप दीपक के अपन बनाओ अचार के सैंपल बना के भेज दे, हम उनका के ऑर्डर लिखवा दे। नमस्ते। नमस्ते। एक बार नीलू के बियाह हो जाएगा ओकरा बाद आरती के तलाक दे के दोसर बियाह कर लेबा। ओ शायद केहू और के चाहत रहली। अपन बहिन के ससुराल में तोहरा के नौकरी नहीं करे के चाहत रहल। अरे काल के तोहार काम में कौनो भी ऊंच नीच भइल त ओकर सीधा असर तोहार बहिन के गृहस्थी पे पड़े। तू ये नौकरी छोड़ दा। हम तोहार असलियत जान गए बानी। हमरा तो आश्चर्य हो रहा बा कि हमारे गुरु जी के बेटी ऐसा हरकत कर रहा है।